खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जिस इलाके से गुजर गया है, गुजरने के बाद भी रोड पर जिस तरह का जश्न जुनून दिखाई दे रहा है उसका एक नजारा आप देखिए कि किस तरह से पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर यहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सड़क पर आयोजित किया जा रहा है और लोग यहां पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलवान लस्सी का ये जो इलाका है, पहलवान लस्सी वाले चौराहे से गुजर कर अब 80 घाट से भी आगे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी सड़क पर रंग दिखाई दे रहा है, जोश दिखाई दे रहा है, उमंग दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पर रोड पर मौजूद हैं और ये सब लोग इस वक्त भी काफी जोश में। कुछ लोग से बात करेंगे, आप बताइए, मोदी का काफिला देखा आपने? हाँ। क्या लगा देखकर? माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है। 5-6 लाख? क्या 5-6 लाख? इधर देखिए, 5-6 लाख के करीब की संख्या थी, मतलब जीत का अंतर 5-6 लाख। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है? माहौल देखा भैया, जीतेंगे तो मोदी जी चाहे कुछ हो जाए। अजय राय? अजय राय नहीं। आप बताएं, अब की बार मोदी सरकार? आप बताएं, मोदी सरकार। रोड शो कैसा रहा? बुंदेलखंड से हम लोग, झांसी से आए हैं, बुंदेलखंड से। अच्छा, आप बताइए, टोपी पहने हुए हैं, क्या माहौल है इस बार? माहौल एकदम सही है, फर्स्ट क्लास। मोदी निकालेंगे की बार मोदी सरकार, की बार मोदी सरकार। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों में जोश देखने को मिल रहा है, एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अब की बार मोदी सरकार के नारे लग रहे हैं। तो ये काशी की सड़क है जहाँ से मोदी का काफिला तो गुजर चुका है, लेकिन जो उल्लास उमंग उत्साह था वो जस का तस बना हुआ है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, वाराणसी।